तो अब हम लोग देखेंगे कि फोटोशॉप में आप कोई भी फोटो को कैसे ओपन करते हो, सेव करते हो और क्लोज करते हो। तो ये है हमारा फोटोशॉप, और मैंने एक पहले से ही फोल्डर बना लिया फोटोशॉप के नाम पे, जिसमें मैं क्या करूंगा कि फोटोज जो भी मैं ट्यूटोरियल बनाता जाऊंगा उसमें फोटो रखूंगा, ताकि मैं आपके सामने डाउनलोड करूंगा तो थोड़ा लेट हो जाएगा, आप भी ऑनलाइन कर सकते हो डाउनलोड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सिखाता हूं मैं ओपन करना। तो ओपन दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप इसको यहां से ड्रैग करो और फोटोशॉप पे लाओ और यहां पे ड्रॉप कर दो, ये फोटो ओपन हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप फाइल पे जाओ, यहां पे जाओ, ओपन पे क्लिक करो और उसके बाद फोटो को चूज करो। तो हमारा जो फोटो है वो यहां पे ये है, मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया ओपन। क्लोज करना है किसी फोटो को, तो देखो फोटो के ऊपर यहां पे एक आइकन बना हुआ है क्लोज का, उस पर क्लिक करते ही क्लोज हो जाता है। दो चीजें हो गई। अब तीसरी ये है कि हम लोग मल्टीपल फोटो भी एक बार में ओपन कर सकते हैं। कैसे, वो देखो। अब मान लो कि मुझे दो फोटो ओपन करना, तो मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। मैं देखो मैं वहां से ओपन नहीं करता हूँ फोटो, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप ही करता हूँ क्योंकि वो आसान होता है। अब मुझे ये दोनों फोटो चाहिए था, तो मैंने इसको दोनों को सेलेक्ट किया और इस पे ले गए फोटोशॉप पे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब देखो ये हमारा टैब बन गया, जिस तरीके से आप इंटरनेट ब्राउजर पे देखते हो उसी तरीके से यहाँ पे एक टैब बना है। इसमें ये फोटो है, इसमें ये फोटो है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हम दो फोटो को एक साथ ही एडिट कर सकते हैं। ये काम तब आता है जब आप मल्टीपल फोटो को मिक्स करके एक फोटो बना रहे हो। अब बात करते हैं हम लोग सेव करने का। तो मान लो इस फोटो को मुझे सेव करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ फाइल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आता है, एक तो सेव, अभी हमने कोई भी एडिट नहीं किया है इसमें इसलिए सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आप एडिट करते हो यहाँ पे कुछ भी चीजें एडिट करते हो, मान लो कि मैं यहाँ पे क्रॉप कर देता हूँ इसको, ठीक है, मैंने इतना यहाँ से इसको काट दिया। अब अगर मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करूंगा, अब ये मुझे सेव का ऑप्शन दे रहा है। अगर मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ तो जो मेरा ओरिजिनल फोटो था वो सेव हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल फोटो चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैं सेव पे क्लिक करता ही नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको फिर से ओरिजिनल फोटो चाहिए हो फिर से एडिट करने के लिए, तो इसलिए मैं ज्यादातर सेव एज करता हूँ। सेव एज में क्या होता है, आपको ऑप्शन देता है कि आप दूसरे एज ए दूसरा इमेज आप सेव करो, या तो उसको भी रिप्लेस कर सकते हो। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूं तो ये अब रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको टाइप कर देता हूँ 1.1। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि मुझे सेव, अब मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा पहला वर्जन था इस फोटो का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, या तो आप जेपीजी कर लो या तो पीएनजी कर लो। पीएनजी में क्या होता है कि अगर आप बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो तो पीएनजी में ट्रांसपेरेंट होता है, जेपीजी या जेपीईजी ये दोनों फॉर्मेट में आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं मिलेगा। अगर आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ काम करना है तो पीएनजी में ही सेव करना पड़ेगा। ये देखो ये है पीएनजी। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बाद एक सबसे पॉपुलर वर्जन है पीएसडी। पीएसडी में क्या होता है कि आपने जो भी काम किया है ना वो सेव रह जाता है, वो आप कहीं पे यूज नहीं कर सकते फोटोशॉप के अलावा। तो जब आप पीएसडी वर्जन सेव करते हो, मान लो मैं यहाँ पे पीएसडी वर्जन सेव कर लेता हूँ एक, अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा फाइल बन गया पीएसडी, और यही यही वो पीएसडी है जिसका मैं बात कर रहा हूँ कि फोटोशॉप टू एचटीएमएल जो अभी बताऊंगा आपको उसमें यही पीएसडी मिलता है हमें। कि जो डिजाइनर होता है कंपनी में वो क्या करता है कि यहाँ पर फोटोशॉप पे डिजाइन बनाता है और एज अ पीएचडी सेव कर देता है, ताकि अगर उसको एज अ जेपीजी सेव कर देगा तो आपको पता नहीं, आप वहां से छोटे छोटे एलिमेंट निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, और फोटोशॉप वाले अगर इसमें आप सेव करते हो तो क्या होता है कि बंदा इस पर क्लिक करता है और ओपन कर लेगा। अब यहाँ पे आपने जितने भी एडिट किए हैं वो सब मिल जाएगा आपको। अगले बंदे को पता होगा कि आप कौन कौन से फोटो को जोड़ के ये फोटो बनाया है आपने। ठीक है, तो आप उसमें से एक एक छोटे छोटे एलिमेंट निकाल सकते हो, इसीलिए हमें पीएचडी दिया जाता है, ना कि जेपीजी इमेज या फिर पीएनजी दिया जाता है। एक नॉर्मल फोटो इसीलिए नहीं दिया जाता है, हमें पीएचडी फाइल दिया जाता है ताकि हम उससे छोटे छोटे एलिमेंट्स निकाल सके और टेक्स्ट भी कॉपी कर सके। अगर टेक्स्ट वहां पे है तो टेक्स्ट भी हम लोग कॉपी कर पाएंगे, इसीलिए हमें पीएचडी दिया जाता है। अब देखो तो हमारे पास तीन एक्सटेंशन पॉपुलर है, एक जेपीजी और दूसरा पीएनजी। पीएनजी जब आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ काम कर रहे हो, अगर आपने फोटो में जितने भी चीज एडिट की है उसको आप रखना चाहते हो कि बाद में फिर से एडिट कर सकूं, तो हम लोग पीएसडी फॉर्मेट में सेव करते हैं। पीएसडी फॉर्मेट को ओपन फाइल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ओपन फाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सारे एडिट्स होते हैं अवेलेबल, जितना अभी तक आपने एडिट किया है वो पड़ा रहेगा, कल को अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो उसी को खोलो और चेंज कर लो। ठीक है, बट जब आप जेपीजी और पीएनजी में सेव कर देते हो तो उसमें आप फिर नए तरीके से चेंजेस लाना स्टार्ट करते हो, जो पुराने चेंजेस थे वो गायब हो जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज देखते हैं कि क्रिएट न्यू का ऑप्शन।
देखो हमारे पास फोटोशॉप में एक यहाँ पे न्यू का ऑप्शन होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लैंक फोटो बनाते हैं, ठीक है। ब्लैंक फोटो का कैनवस, जैसे आप कभी पेंटिंग करते हो तो क्या होता है, आप एक पेपर चुनते हो कि इतना बड़ा पेंट में मैं पेंटिंग करूंगा। मान लो आपको एक पोस्टर बनाना है, ठीक है। जैसे मैं अगर यूट्यूब के लिए बनाता हूँ, थंबनेल वीडियो के ऊपर लगाता हूँ, तो क्या करता हूँ कि देखो मेरे पास मल्टीपल चीजें होती हैं, पहले मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे कितना बड़ा चाहिए, ठीक है। तो मैं एक कैनवस लेता हूँ, तो कैनवस लेने के लिए आपको न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे या आपको पहले तो नाम देना है इसका। मान लो मैं YouTube के लिए बना रहा हूँ थंबनेल, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा YouTube थंबनेल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो कि किस टाइप का है, मैं हमेशा कस्टम रहने देता हूँ। अब यहाँ पे विड्थ और हाइट सेट करते हो, ये आप बहुत सारे पैरामीटर्स पे कर सकते हो, पिक्सल, इंच, सेंटीमीटर, बट हम लोग पिक्सल के साथ काम करते हैं क्योंकि हम लोग डिजिटल काम कर रहे हैं। जो लोग इसमें जो फिजिकल प्रोडक्ट के लिए करते हैं वो इंच वगैरह सेंटीमीटर इसमें भी काम करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि प्रिंट होकर फिजिकल चीजों में आने वाला है, और हम लोग डिजिटल में करते हैं तो हम लोग पिक्सल पे काम करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है नॉर्मल यूसेज में, ठीक है। जब आप एडवांस फोटोशॉप सीखोगे तो आपको इन सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। बस अभी इतना जानो कि हम यहाँ पे विथ और हाइट सेट करते हैं पिक्सल में, और ओके कर देते हैं, हमारे पास एक कैनवस बन के रेडी। अब इस पे आपको कुछ लिखना है, लिखो। इस पे कलर देना है, कलर दो, दो चार इमेजेस को मिला के कुछ बनाना है तो कुछ बनाओ, ठीक है। तो ये है न्यू से हम लोग एक न्यू कैनवस बनाते हैं, और फिर आप इसको चाहो तो, अभी मैं चाहूँ तो ब्लैंक भी सेव कर दूँ। देखो जैसे मैंने इसको सेव एज किया, तो ये फोटोशॉप में आ रहा है, मैं इसको फोटोशॉप ने जेपीजी में सेव करना चाहता हूँ। यूट्यूब थंबनेल मैंने इसको सेव कर दिया, अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग जाते हैं और देखते हैं, तो देखो हमारे पास एक फोटो बन के आ गया ब्लैंक। अभी ये व्हाइट फोटो है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, जितना हमने साइज दिया था उतने में ही। तो मैं इसको अभी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल को दोबारा ढूंढना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा कंटेंट बनाऊं तो वो आप तक पहुंच सके।